आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं NMT न्यूज। NMT न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ऋषि कपूर के कैरियर की 10 सुपरहिट फिल्में, आज के रेट से पहले ये फिल्म बनी 100 करोड़। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। फिल्म में ऋषि कपूर का वही पुराना अंदाज और उनकी जिंदा दलील देखने को मिली। हालांकि अभिनेता यह फिल्म पूरी किए बिना ही दुनिया को अलविदा कह गए थे। ऐसे में इस फिल्म के आधे हिस्से को अभिनेता परेश रावल ने पूरा किया। फिल्म में ऋषि कपूर ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से एक बार फिर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। अभिनेता भले ही आज हमारे बीच मौजूद ना हो, लेकिन उनकी फिल्म हमेशा उन्हें हमारे बीच बनाए रखेगी। ऋषि कपूर ने अपने जीवन में कई हिट सुपरहिट फिल्में दी है। आइए जानते हैं उनकी 10 हाई स्टेट गुर्जर फिल्मों के बारे में। ऋषि कपूर की यह फिल्म 29 सितंबर 1973 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म उस दौर की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। फिल्म में कपूर के साथ अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया ने भी अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। दोनों की जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आई थी। फिल्म में ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया के अलावा अभिनेता प्राण, प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाथ और दुर्गा खोटे जैसे कलाकार नजर आए थे। इस फिल्म का निर्देशन राज कपूर द्वारा किया गया था। वही फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ऋषि कपूर की इस डेब्यू फिल्म ने उस दौर में 5.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो आज के तुलना कुल 192 करोड़ रुपए के बराबर है। अमर अकबर एंथनी में भी दर्शकों को अभिनेता का किरदार बेहद पसंद आया था। 7 मई 1977 को रिलीज हुई यह फिल्म भी ऋषि कपूर के ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, नीतू सिंह, परवीन बॉबी, निरुपमा राय, रंजीत, जीवन, प्राण जैसे कलाकार भी नजर आए थे। इसका निर्देशन मन्नू देसाई द्वारा किया गया था। फिल्म ने उस दौर में 7.25 करोड़ की कमाई की थी, जो आज 186 करोड़ के बराबर है। ऋषि कपूर के एक और बेहतरीन फिल्मों में शामिल हम किसी से कम नहीं 25 अगस्त 1977 को रिलीज हुई थी। अपने जमाने में सुपरहिट रहे इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ अभिनेत्री काजल, किरण, तारिक, जीनत अमान जैसे कलाकार नजर आए थे। इस फिल्म को नासिर हुसैन ने निर्देशित किया है। इसके कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म में उस दौर में 4.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जो मौजूदा समय में 109 करोड़ के बराबर है। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल टीवी मीडिया नवी मुंबई टाइम्स न्यूज। ताजा तरीन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए YouTube पर सर्च करें NMT न्यूज। NMT न्यूज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन और पाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, ठाणे की ताजा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर।